कैसे हो? आज हम आपको लेके आए हैं दिल्ली का लाल किले में, जिसे रेड फोर्ट बोला जाता है। तो आपको दिखाते हैं दिल्ली का लाल किला, तो बने रहो वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों हम पूरी हिस्ट्री बताएंगे आपको लाल किला की। अभी दोस्तों हम यहाँ से टिकट ले लेते हैं, यहाँ टिकट लेना पड़ेगा। टिकट लेने के बाद हम वहाँ पर एंटर हो सकते हैं। टिकट के प्राइस की बात करें दोस्तों, टिकट का प्राइस दोस्तों 15 साल से कम है उसके लिए फ्री है, और उसके ज़्यादा जो जिसकी एज है तो आपको 50 रुपीस देना पड़ेगा। अगर आप म्यूजियम में घूमना चाहते हो तो आपको 80 रुपीस टोटल लगेगा। ये प्राइस दोस्तों इंडियंस के लिए है, फॉरेन के लिए अलग प्राइस है। ये टिकट दोस्तों आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर बुक करोगे तो वही टिकट जो 80 रुपये की है आपको 50 रुपीस पड़ेगी, और जो 50 रुपीस की है वो 35 रुपीस मतलब की 35 रुपये की पड़ेगी। अभी हम दोस्तों टिकट को चेक करवा के अंदर एंटर होंगे। यहाँ से टिकट की चेकिंग होगी, फिर अंदर एंटर होंगे। ये बाहर से दोस्तों इंडिया गेट कुछ ऐसा लग रहा है। अगर दोस्तों इस लाल किले की हिस्ट्री की बात करें तो दोस्तों लाल किला मुग़लों के 5वें बादशाह शाहजहाँ ने बनाया था। इंडिया में शाहजहाँ ने बड़ी 3 इमारतें बनाई थी, एक तो आगरा का ताजमहल, और एक यहाँ पे नज़दीक है जामा मस्जिद, और एक लाल किला। ये 3 इमारतें शाहजहाँ ने यहाँ पे बनाई थी। अभी दोस्तों एक बार और चेकिंग होगी। यहाँ से दोस्तों हम कुछ भी अंदर लेके नहीं जा सकते, जैसे कुछ तंबाकू जर्दा वगैरह जो आपके पास होगा वो यहाँ पे आपको जमा कराना पड़ेगा, फिर आप एंटर हो जाओगे। ये सामने दोस्तों आप लाहौरिया गेट देख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों 2 गेट है, एक लाहौरिया गेट है, एक दोस्तों दूसरा गेट है उसका नाम है दिल्ली गेट, पर दोस्तों वहाँ से आम आदमी के लिए एंट्री नहीं है, तो यहाँ से सारे लोग एंटर होते हैं। इसे दोस्तों लाहौरी गेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका फेस लाहौर की तरफ है, इसलिए इसे लाहौर गेट और लाहौरी गेट भी बोला जाता है। दोस्तों ये किला 372 वर्ष पुराना है, और इसको बनाने में दोस्तों 10 साल के करीब लग गए थे। 10 साल के बाद ये पूरा कंप्लीट हुआ था दोस्तों। दोस्तों ये सारा किला लाल पत्थर से बना हुआ है, इसलिए दोस्तों इसे लाल किला बोला जाता है। हम दोस्तों हर साल 15 अगस्त को यहीं से इसी पे झंडा लहरा के सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त को। ये आप सामने देख सकते हो, यहाँ से हम करते हैं। अभी हम दोस्तों एंटर होते हैं इस किले के अंदर इस गेट से, और एंटर होते ही आपको दोस्तों यहाँ पे एक बाज़ार दिखाई देगा जिसे मीना बाज़ार बोला जाता है। इस बाज़ार को दोस्तों राजा ने अपनी रानी के लिए बनाया हुआ था। उस टाइम पे दोस्तों यहाँ पे सिर्फ औरतें ही आ जा सकती थी, मर्दों का आना यहाँ पे बंद था। ये दिल्ली का दोस्तों एक्चुअल मीना बाज़ार है। ये ऐतिहासिक मीना बाज़ार दोस्तों 375 साल पुराना है, तो आप देख सकते हो ऐसा कुछ है। यहाँ पे आपको हमेशा भीड़ दिखाई देगी दोस्तों, और यहाँ पे शॉपिंग के लिए औरतों के लिए काफ़ी सामान वगैरह है, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में। अगर दोस्तों लाल किले की एंट्री टाइमिंग की बात करें तो सुबह दोस्तों 9:30 बजे ये खुल जाता है, और इसकी 4:30 बजे लास्ट एंट्री होती है, उसके बाद आप एंटर नहीं हो सकते। अगर दोस्तों लाल किला में आप आना चाहते हो और इसके एड्रेस की बात करें तो मेट्रो स्टेशन नेताजी सुभाष चंद्र पैलेस और लाल किला चांदनी चौक न्यू दिल्ली के पास ये पड़ता है, और इसका नियस्ट जो अपना है मेट्रो स्टेशन है वो लाल किला है। लाल किला आके आप यहाँ पे आ सकते हो। अभी हम दोस्तों मीना बाज़ार से बाहर जा रहे हैं, आप देख सकते हो ये बाहर जाने का गेट है। दोस्तों बाहर निकलते ही आपको ये सामने दिखाई दे रहा होगा, ये रेस्टोरेंट है दोस्तों, किले के अंदर ही है, जो कि देखने में बाहर से काफी खूबसूरत लग रहा है। तो हम दोस्तों अंदर जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे खाने के लिए क्या क्या है। और दोस्तों मुझे भी भूख लगी है, तो कोशिश करेंगे यहाँ पे कुछ खाएंगे, कुछ खा लेते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर हम आपको ये पूरा आपको दिल्ली का लाल किला दिखाएंगे और उसके बारे में पूरा जानकारी देंगे।
एंटर होने से पहले आप देख सकते हैं ये कुछ मेनू है इनका, जो जो अंदर आपको खाने को मिलेगा आप यहाँ से देखकर अंदर एंटर हो सकते हो। एंटर होते ही आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लगता है दोस्तों, यहाँ पे बना हुआ है खाने के लिए, आप बैठ के आराम से खा सकते हो। सामने आप देख रहे हो दोस्तों, वहाँ पे आप अपना ऑर्डर ले सकते हो। ऑर्डर लेने के बाद जहाँ पे भी आपको खाना है यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। आप साउथ इंडियन हो गया, बर्गर वगैरह हो गया, या आप कुछ भी खाना चाहते हो खाना वगैरह, तो आपको यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। मैंने दोस्तों एक पर्ची कटाई जहाँ पे अपना दिया मैंने मसाला डोसा और एक कोल्ड ड्रिंक, तो मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा कुछ है। मैंने डोसा दोस्तों खाया, खाने में डोसा काफ़ी स्वादिष्ट था। तो अभी हम दोस्तों खाकर बाहर आ गए हैं, आप देख सकते हैं। ये दोस्तों आप देख रहे हो बाइट, ये मेन गेट है दोस्तों महल के अंदर जाने का, वो इसका नाम है नाबिद खाना। दोस्तों इसे नाबद इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जब डमरू बजारा जाते थे तो उसे नाबद बोला जाता, जैसे कि जब महाराजा आते थे तो बोलते थे बादशाह सलामत आ रहे हैं, तो ऐसे कोई यहाँ पे होता था तो यहीं से मेन एंट्री होती थी आम लोगों की, तो यहाँ से एंटर होते थे, इसलिए दोस्तों इसे नाबद खाना बोला जाता है। एंटर होते सामने आपको एक महल दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, उसे बोलते हैं दीवाने आम। दीवाने आम दोस्तों इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे आम लोगों को बुलाया जाता था, उनकी बातें वहाँ पर सुनी जाती थी। वो सामने जो मैंने आपको बोला है वहाँ पे दोस्तों हमेशा दरबार लगता था, तो बाहर के लोग जो आम लोग थे वहाँ पे आते थे अपने प्रॉब्लम्स लेके, तो राजा वहाँ पे दरबार लगाता था, उनकी प्रॉब्लम्स वगैरह सुनता था, तो ऐसा कुछ था। वहाँ पे राजा बैठता था दरबार लगा के, और आम लोग दोस्तों वहाँ तक ही आ सकते थे, उसके आगे आम लोगों का जाना अलाउड नहीं था, इसी कारण दोस्तों इसका महल का नाम दीवाने आम पड़ा था। अभी दोस्तों सामने आप कॉलोनियाँ देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे पहले अपने अंग्रेज लोग रहते थे, अब यहाँ पे म्यूजियम है दोस्तों, पहले यहाँ पे अंग्रेज वगैरह जो भी होते थे वो यहाँ पे रहते थे। अभी हम दोस्तों म्यूजियम के अंदर एंटर हो रहे हैं, आपको म्यूजियम दिखाएंगे अंदर से कैसे है, तो यहाँ से टिकट वगैरह देखते हैं। तो अभी हम एंटर होते हैं म्यूजियम के अंदर, आप देख रहे हो ऐसा कुछ है। इस म्यूजियम में दोस्तों पूरी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लैग वगैरह है जो राजा के टाइम पे होते थे, तो ऐसा कुछ है ये आप देख सकते हो। ऐसे दोस्तों यहाँ पे चार म्यूजियम है, म्यूजियम के अंदर दोस्तों आपको हर एक वो चीज़ देखने को मिल जाएंगी जो कि राजा अपने टाइम पर यूज करते थे, जैसे कि हथियार हो गया, जो भी वह उस टाइम पे यूज करते थे आपको आगे जाके देखने को मिलेगा, मैं दिखाऊंगा दोस्तों। वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं पूरा अपना लाल किला दिखाऊंगा और उसके बारे में पूरी जानकारी मैं दूंगा, शायद आपको और वीडियो में ऐसी जानकारी ना मिले जो मैं इस वीडियो में आपको दूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करो दोस्तों, पूरी वीडियो देखो। यही म्यूजियम है दोस्तों जिसके एंट्री फीस 30 रुपये एक्स्ट्रा देनी पड़ती है आपको, नहीं तो आप 50 रुपीस में अपना लाल किला देख सकते हो, इसमें एंटर होने के लिए आपको 30 रुपीस और देना पड़ता है। ये ऐसे कुछ सामान है दोस्तों जो कि अपने राजा वगैरह यूज करते थे अपने टाइम में, आगे जब कि आपको हथियार वगैरह भी दिखाऊंगा जो उस टाइम पे यूज होते थे, आप देख सकते हो दोस्तों। सामने आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, यहाँ पे जो जो कुछ हुआ था उसके बारे में हिस्ट्री का आपको आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी,
आप देख सकते हो। अभी यहाँ से दोस्तों हम म्यूजियम से एक्सिट हो जाएंगे, बाहर की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हो हम बाहर आ गए। ये सामने दोस्तों वही महल है जो मैंने आपको दिखाया था, जो आपको दूर से दिखाई दे रहा होगा। इसी का नाम है दीवाने आम, जहाँ पे आम लोग आते थे और अपनी प्रॉम्स वगैरह राजा को सुनाते थे, और राजा जहाँ पे बैठ के अपना फैसला वगैरह सुनाता था, न्याय वगैरह करते थे। तो आपको मैं पूरा क्लोज से दिखाऊंगा। अभी हम दीवाने आम के अंदर जा रहे हैं। आगे जाके दोस्तों आपको दिखाऊंगा कि राजा कहाँ पे बैठते थे और प्रजा कहाँ बैठती थी। दोस्तों प्रजा वगैरह यहाँ बैठती, जहाँ पे लोग वगैरह घूम रहे हैं यहाँ पे प्रजा बैठती। सामने आपको शीशे का दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, मैं आगे से आपको क्लोज करके दिखाऊंगा। वहाँ पे राजा बैठते थे और अपना फैसला वगैरह सुनाते थे। ये सारी जगह है जहाँ पे आम लोग आते थे और दूर दूर शहरों से लोग आते थे अपनी प्रॉम्स लेके। तो राजा वहाँ पे सामने आप देख सकते होंगे दोस्तों, वहाँ पे राजा अपने बैठते थे और उनकी प्रॉम्स का हल करते थे और न्याय वगैरह यहीं से बैठ के वो करते थे। देखने में दोस्तों ये दीवाने आम भी काफ़ी बड़ा लग रहा है। यहाँ पे भी काफ़ी लोग अगर आते होंगे तो वो वहाँ पे बैठ सकते होंगे। आप देख सकते हो मेरे पीछे कितना बड़ा। यहाँ पे दोस्तों आसपास आपको काफ़ी पार्क भी दिखाई देंगे। आप देख सकते हो काफ़ी बैठने की जगह है, बैठ के आप अगर थक गए हो तो टाइम स्पेंड कर सकते हो। सामने आप देख सकते हो यहाँ पे टॉयलेट। ये दोस्तों आप वाइट कलर का महल देख रहे होंगे, इसको दोस्तों रंग महल बोला जाता है। यहाँ पे दोस्तों राजा अपने शाही जो उनके मेहमान होते थे उनका स्वागत यहाँ पर करते थे। देखने में दोस्तों काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये महल। आप को शायद वीडियो में ना दिखाई दे रहा होगा, पर आप अगर यहाँ पे आके देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हर महल के सामने दोस्तों आपको हरे भरे घास फूस के मतलब की दिखाई देंगे, काफ़ी हरियाली सी दिखाई देगी, आप देख सकते हो। ये दोस्तों आप देख रहे होंगे जो ये बिल्डिंग है, इसको दोस्तों खास महल बोला जाता है। ये रंग महल के साथ ही है बिल्कुल, और यहाँ पे दोस्तों राजा वगैरह रहते थे। ये दोस्तों उनके निवास स्थान था, यहाँ पे चार कमरों का अपना रूम वगैरह थे, यहाँ पे बेडरूम था उनका, मतलब कि यहाँ पे वो सोते थे और नमाज वगैरह यहीं पर पढ़ते थे। लाल किला में दोस्तों बादशाह ने अपनी रानियों के लिए दो महल बनाए थे, एक तो दोस्तों मुमताज महल था, दूसरा रंग महल था। इन महलों के किले के अंदर सिर्फ दोस्तों महलें रहती थी। इस महल के अंदर दोस्तों अगर दरवाजे की बात करें तो छह दरवाजे हैं, जिनका नाम दिल्ली दरवाजा है, अकबर दरवाजा है, बाकी दरवाजा है, नोबेल दरवाजा है, और हमाऊ दरवाजा है, और लाहौर दरवाजा है जो कि मैंने आपको दिखाया है। लाहौर दरवाजा वही है दोस्तों जिसे लाहौरी गेट बोला जाता है। एक समय दोस्तों ऐसा था कि इस महल में 3000 के करीब लोग रहते थे, पर 1957 के स्वतंत्र संग्राम के बाद किले पर ब्रिटिश सेना का कब्जा हो गया, उसके बाद रियासी महल नष्ट कर दिए गए, कई रियासी महल नष्ट कर दिए गए। ये जो रास्ता देख रहे हो दोस्तों, ये इसका गेट का नाम है जमुना गेट। यहीं से दोस्तों राजा वगैरह अपना जो भी कहीं पे आना जाना होता था, यहीं पे उनकी बोट वगैरह लगी हुई थी, यहीं से वो कहीं भी जाना होता तो आगरा वगैरह जहाँ भी वो जाते थे तो यहीं से बोट से वो जाते थे। वहाँ एक नदी बहती थी जिसे जमुना नदी बोलते हैं।
आई होप दोस्तों आपको लाल किला की वीडियो अच्छी लगी है और इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी है दोस्तों, अगर अच्छी लगी है दोस्तों तो ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो ताकि वो भी इस किले को देख सकें और इनके बारे में जानकारी ले सकें। अगर दोस्तों मेरे चैनल पर नए आए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों और वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे से ऐसी वीडियो और आपके लिए लेके आ सके। अभी हम दोस्तों दिल्ली में हैं, दिल्ली में जो जो जगह यहाँ पे फेमस है वहाँ वहाँ घूमेंगे तो उसकी वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। सामने दोस्तों आपको एक मस्जिद दिखाई दे रही होगी, इसका नाम है दोस्तों मोती मस्जिद। इसको दोस्तों शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने इसको बनाया था। पहले शाहजहां जब नवाज वगैरह पढ़ते थे तो बाहर जाते थे जामा मस्जिद में, अब उसने अपने लिए यहाँ पे औरंगजेब ने यहाँ पे अपने लिए ये मस्जिद बना लिया था, तो जहाँ पे नवाज वगैरह वो पढ़ते थे। इस मस्जिद का नाम है दोस्तों मोती मस्जिद। मेरे चैनल पे दोस्तों आपको यहाँ पे दिल्ली की हर एक वीडियो देखने को मिलेगी और मैंने और भी अपने नेपाल की सीरीज भी डाली हुई है, अगर आप नेपाल घूमना चाहते हो तो नेपाल के बारे में पूरी जानकारी मैंने अपने चैनल पे दी हुई है, तो आप वहाँ पे विजिट करके देख सकते हो। ये सामने आप देख रहे होंगे दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई जी का चित्र बनाया हुआ है, यहाँ पे लोग खड़े होकर फोटोग्राफी वगैरह करते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है तो दोस्तों तो वीडियो को साथ साथ लाइक जरूर करिए और वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, बीच में स्किप मत करना नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे दोस्तों। अभी हम दोस्तों बाहर आ गए हैं, आप देख सकते हो बाहर से ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है किला। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।